तो दोस्तों, सर्दियों में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि पैरों में सूजन आना, पैरों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगना, बर्फ़ के जैसे ठंडे होना, उनमें दर्द होना और जकड़न महसूस होना और रीढ़ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सभी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्पाइनल कार्ड के पेशेंट हों, जो नॉर्मल इंसान हैं या उनको किसी दूसरी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, जैसे कि जकड़न है, मतलब कोल्ड है, और पैरों में सूजन आना है, पैरों में दर्द होना, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में, जो कि रिकवरी को इफेक्ट करती है और काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो बनाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं खुद कोल्ड की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई थोड़ा। तो दोस्तों, सर्दियों में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि पैरों में सूजन आना, पैरों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगना, बर्फ़ पे जैसे ठंडे होना, उनमें दर्द होना और जकड़न महसूस होना, और भी जैसे कि रीढ़ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सभी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्पाइनल कार्ड के पेशेंट हों, जो नॉर्मल इंसान हैं या उनको किसी दूसरी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं, हम आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों से निजात मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, उन लोगों को रिकवरी में भी दोगुनी स्पीड देखने को मिलेगी। और ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस भी है इसमें, और डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया है वो भी चीज़ें हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचें। मैं इसी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सभी लोग सर्दियों में अपना खास ध्यान रखें, ऊनी मोटे कपड़े पहने रहें, और अगर आपको बाहर निकलना है तो धूप में बैठें, आइलिंग करें, और गर्म पानी से अपने पैरों को धुलें या गर्म पानी से नहाएं। जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि जैसे ही आपको ज़्यादा ठंड लगेगी तो आपके पैरों में सूजन आएगी, उंगलियों में, और आपको दर्द महसूस होगा। ऐसे में आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसकी सिकाई करते हैं। दोस्तों, आपको सिकाई नहीं करनी है। आप ऐसी सिचुएशन में पानी गर्म करें और गर्म पानी से उसकी धुलाई करें, जिससे एक फायदा यह रहता है कि पैरों की उंगलियों में यहाँ पर जो सड़ी हुई खाल सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देती है, वो सब ठीक तरीके से साफ करें, और ये जो सफाई है वो गर्म पानी के साथ में होगी तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो मैं करना है कि आप ऑयल मसाज करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस ऑयल का मसाज करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले सकते हैं। उसके बाद में आप मेथी ले लें, जो कि किचन में हर आदमी के घर में मिल जाएगी, हम सभी लोगों के घर में होती है, और लहसुन ले लेना है, और उसमें आप लौंग डाल सकते हैं। ये आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से 25 से 50 ग्राम रेडी कर लें, ठीक तरीके से पका लें, और पका लेने के बाद में वो तेल आपको बॉडी पे मसाज करना है। दोस्तों, इस ऑयल को, इस तेल को आप पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। आप पैरों में तो जरूर ही करें, जितने लोग स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं उनको पैरों में जो कि मसल्स हैं वो ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और पैरों में पैर सूखने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप प्रॉपर पैरों में उसको यूज कर सकते हैं, कमर पे यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि बैक पे, पीठ पे, रीढ़ में जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर भी इसको अप्लाई करें, इसका हल्के हाथों से मसाज करें। और अगर जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, वो लोग ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें, जिसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तभी आप इस चीज़ को अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा ये, और रिकवरी में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद में आप धूप में लेट के सिकाई कर सकते हैं आराम से। और अगर आप धूप में नहीं लेट सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक हॉट वाटर बैग होता है रबड़ का, जो कि उसमें गर्म पानी को भर के उससे सिकाई की जाती है। अगर आप उसका उपयोग करें तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। आप उसको कमर पे, बैग पे, पेट पे और जोड़ों पे, कहीं पे भी रख के आराम से सिकाई कर सकते हैं। जो मंगवाई थी 200 रुपये की है, यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ होता है, तो आपको पानी को गर्म करके इसमें ठीक तरीके से भर लेना होता है। आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा गर्म पानी आप सह सकते हैं, उसको जितना मैनेज कर सकते हैं, उसको पहले ही आप ठीक तरीके से देख लें।
ये पानी भरने के बाद में गर्म हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको काफी देर तक यूज कर सकते हैं। आप उसको पेट में चाहे रखना हो या पीठ पे रखना। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, ना ही मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं कहीं से भी, या आप ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। मुझे किसी का प्रचार करना या किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी सुविधा के लिए ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये बहुत ही सुरक्षित उपाय है। आप रजाई में पड़े हुए, बेड पे पड़े हुए, कहीं पे भी आराम से कर सकते हैं। आप उसे कपड़े के नीचे या आराम से या पीछे कहीं अपने बॉडी में उसको रख सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि बॉडी मसाज करना, किस ऑयल को मतलब किस तरीके से मसाज करना है, उसको किस तरीके से बनाना है, और उसके बाद में ये जो हॉट वाटर बैग से पानी से या किसी दूसरी तरीके से सिकाई करना है, ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि मैं आपको बता दूं कि मुझे इससे दोगुनी रिकवरी देखने को मिली थी। अक्सर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको सिकाई करना है और ऑयलिंग भी साथ में होती है, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में कह सकता हूं, अगर आपकी रिकवरी ठीक से आ रही है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको दोगुनी स्पीड देखने को मिलेगी। ये सबसे बेहतरीन स्टेप इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा उपयोगी पॉइंट है। और दोस्तों गर्म पानी से धुलने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों को जो पैरों में सूजन आना, दर्द महसूस होना, ऐसे में खून का जमाव होना, पैरों का नीला पड़ना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं उसको गर्म पानी से धुलने से खून का दौरान बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाने की वजह से दर्द में राहत मिलती है, सूजन भी कम होती है, तो ये भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सारी जानकारी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप सभी लोगों को सर्दियों में अपना खास ख्याल रखना है, ऊनी मोटे कपड़े पहन के रहना है, और आप अगर बाहर निकलना भी चाहते हैं तो धूप के समय में निकलें, धूप में बैठें। उसके बाद में अगर आपको पैरों में सूजन आती है, पैरों में खून जम जाता है, जकड़न होती है, दर्द होती है, तो ऐसे में आपको गर्म पानी से धुलना है। और उसके बाद में आपको ऑयल मैंने बताया है, सरसों का ऑयल कैसे बनाना है, उसकी जो है मालिश करना है, उसका मसाज करना है, और उसके बाद में अगर आपको सिकाई की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसकी आग से या हीटर से सिकाई कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित उपाय जो रहेगा हॉट वाटर बैग, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं आप सब लोगों को लास्ट में एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में जिन लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में भीग जाना, सर्दी लग जाना, ये सभी चीज़ें बहुत ही दुखद होती हैं। मैंने इन सब चीज़ों को महसूस किया है और मुझे पता है कि जो लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं उन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरी यूरिन मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाके जरूर देखें। यूरिन मैनेजमेंट की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है वो आपको सर्दियों में जो यूरिन की प्रॉब्लम है उससे बहुत ही ज़्यादा राहत देगी, और मुझे लगता है कि आपको उससे सुरक्षित बचाव करने में और अपनी रिकवरी अच्छे से अपनी रिकवरी करने में और एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो।